हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ का प्रतिनिधि मंडल प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में छठे वेतन आयोग की विसंगतियों को लेकर अलग अलग अधिकारियों एवं सरकार के मुख्यमंत्री और शहरी विकास मंत्री से मिला, जिसके चलते छठे वेतन आयोग में हो रही कर्मचारियों और शिक्षकों की रिकवरी और पंजाब के वेतन आयोग से हटकर हिमाचल का अलग वेतन आयोग लागू करने पर चिंता व्यक्त की गई। पूरी कर्मचारियों में जो है बहुत नाराजगी भी है और एक असमंजस की स्थिति भी है, क्योंकि ज्यादातर जो कर्मचारी वर्ग है हमारा वो रिकवरी की राह पे खड़ा है। उसको लेकर हम जो है कल मुख्यमंत्री महोदय को मिले थे और चीफ सेक्रेटरी महोदय को भी मिले और सेक्रेटरी फाइनेंस को भी हम मिले हैं। तो डिटेल में हमने जो अपना मांग पत्र है उसको दिया है, उसके ऊपर जो है डिटेल में चर्चा हुई है। जो अक्षय सूजी है, सचिव वित्त है, उन्होंने भी पूरा मांग पत्र पढ़ा, उसके ऊपर उन्होंने उसको हमने उनको समझाया और 10 मिनट तक हमारी चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि पिछले कल हम इससे पहले कहते इसके ऊपर चर्चा कर रहे थे और उसके बाद हम माननीय मुख्यमंत्री को रात को 7 बजे मिले, तो हमारे मिलते ही उन्होंने इस बात को कहा कि हमने आपकी बात को सुन लिया है, देख लिया है और आप जो कहना चाहते हैं जो एनोमली है वो ठीक है, उसको हम ठीक करने का प्रयास करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत ही एक सौहार्दपूर्ण तरीके से बात को सुना, लंबी बात हुई और उसमें उन्होंने तुरंत जो है कार्रवाई करने के लिए उस पर हमारे मांग पत्र पे जो है उन्होंने जो हमारे प्रबोध सक्सेना जी ACS फाइनेंस है, हालांकि वो आजकल कोविड पॉजिटिव हुए हैं, तो उनको आदेश किए कि आज की डाक में ही तुरंत आज ही जो है ये जो लेटर है ये उनके घर पहुंचा दो और इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। तो इससे ये एहसास होता है कि जिस तरह से परसों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके लिए मैं सबसे पहले तो जो प्रेस बंधु है वो चाहे प्रिंट मीडिया के लोग हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं, चाहे वेब मीडिया के लोग हैं, उन सबका दिल की गहराइयों से पूरे 2.5 लाख कर्मचारियों की तरफ से मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जिस तरह से आपने जो कवरेज दी है उस कवरेज की वजह से जो है वो हमारी जो कैलकुलेशन हमने पंजाब से जो कंपेयर किया था उस चीज को वो हर एक जगह पहुंची, सरकार तक पहुंची। मुख्यमंत्री ने पहले ही कहा कि मैं देख लिया है सारा, मैं इस बात को देख रहा हूं और इसको हम तुरंत ठीक करेंगे, तो उम्मीद तो है कि इस बात को ठीक किया जाएगा। अब कितना ठीक किया जाता है ये देखने वाली बात है। उसमें कुछ बातें हैं जो हमने बड़ा प्रमुखता से कही है कि पंजाब के एटपार, क्योंकि हम पंजाब को फॉलो करते हैं तो पंजाब के एटपार पे एक मिशन हिमाचल प्रदेश में लागू हो, उससे कम किसी भी सूरत में हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को मान्य नहीं है। उसमें बहुत सारी एनोमली है, उस एनोमली को तभी ठीक किया जाएगा जब पे एक मिशन हमारा पंजाब के एटपार होगा, और उसको ठीक करने का एक ही फॉर्मूला है और कोई फॉर्मूला नहीं है। उससे जो अनियमितताएं आ रही है इनिशियल में 1-16 को, वो तभी दूर हो जाएगी। उसके बाद जो है जो भत्तों की बात करें तो भत्ते तो हिमाचल के अपने हैं, भत्तों के ऊपर तो अलग से हिमाचल को जो है नोटिफिकेशन निकालनी पड़ेगी। एक बात मैंने जरूर कही है मुख्यमंत्री मोदी से कि जिस तरह से वित्त सचिव ने भी कहा कि हम रिकवरी अभी नहीं ले रहे वो एडजस्ट की जाएगी, तो हमने मांग की है कि जो रिकवरी की बात है उसको एडजस्ट करने के बजाय हिमाचल सरकार ये बोले, क्योंकि 1 लाख से ऊपर की रिकवरियां बन रही है हरेक की, तो उसको रिकवरी को स्टॉप किया जाए, वो पे को जो है 1-16 को प्रोटेक्ट करने के आदेश हो, तभी कर्मचारी जो है सुखी रहेगा वो कर्मचारियों के। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।